नमस्कार, मास्टर शेफ रूपाली में आपका स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही चटपटी सी रेसिपी सुशीला। इसे हम इवनिंग में स्नैक्स में खा सकते हैं। बहुत ही मजेदार और इजी रेसिपी है, तो देखते हैं इसमें क्या क्या लगता है। तो इसके लिए मैंने एक कटोरी मुरमुरा लिया है। महाराष्ट्र में इसे चुरमुरे कहते हैं, यहाँ पे इसे लाही कहते हैं। तो ऐसे वाली लाही मैंने ली है। और ये मूंगफली ली है, इसके साथ लिया है मैंने छोटा सा प्याज, एकदम महीन काट दिया है, दो हरी मिर्च, छोटा सा टमाटर, धनिया। मसाले में मैंने लिए है मीठा नीम 2 से 4 पत्ते, थोड़ी सी हींग, हल्दी, जीरा और सरसों। तो आप चाहे तो ये मुरमुरा छाछ में भी भिगो सकते हैं, तो उससे टेस्ट थोड़ा सा खट्टा आएगा, वो भी मस्त लगेगा। तो सबसे पहले हमें इस मुरमुरे में 1 ग्लास पानी डाल देना है और 5 मिनट तक इसे ऐसे डुबोना है। इसका पूरा ऐसे पानी निचोड़ के एक प्लेट में रख दीजिए। पैन में मैंने तेल गरम कर दिया है, इसमें मूंगफली हम थोड़ा सा फ्राई करके ले लेते हैं। धीमी आंच पर इसे फ्राई कीजिए तो ये कुरकुरे बनेंगे। मूंगफली फ्राई हो गई है तो इसे निकाल देते हैं। इसमें डाल देती हूँ मैं सरसों, जीरा, थोड़ी सी हींग और मीठा नीम। इसके बाद हम इसमें प्याज डालेंगे। प्याज को हल्का गुलाबी होने तक भूनेंगे हम। प्याज हल्का गुलाबी हो गया है तो इसमें मैं 2 मिर्च ऐड कर देती हूँ और उसके बाद 1 टमाटर, थोड़ी सी हल्दी, और प्याज को भी हल्का भून लेते हैं हम 1 मिनट तक। अब इसमें मैं ऐड करूंगी 1/2 चम्मच नमक, और फिर ये भिगोया हुआ मुरमुरा एकदम सॉफ्ट हो गया है। देखिए मिक्स हो रहा है पूरा है। मिक्स होने के बाद इसमें मैं डालूंगी ये मूंगफली और धनिया और इसे ढक के 1 मिनट तक के लिए पकाएंगे हम। तो 1 मिनट के लिए इसे छोड़ देते हैं, इसे आंच धीमी ही रखिए आप। 1 मिनट बाद देखिए बनके तैयार है, तो अब इसे प्लेट में निकाल देते हैं। तो बनके तैयार है गर्मा गर्म सुशीला। आप इसमें नींबू या आलू भुजिया डाल के भी खा सकते हैं, चाहे तो आप इसमें चना दाल भी डाल सकते हैं रोस्टेड वाली। तो अपनी मर्जी से आप इसमें सब्जियां भी ऐड कर सकते हैं। एक हेल्दी रेसिपी ये बनके तैयार हो जाएंगी। तो अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ प्लीज़ इसे बनाइए, खाइए। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।